This is our first development. It's our batch first, so hope you enjoy it. You could dream dish. So. So मेरा भाई मेरे को छोड़ने आया है मजनू के टीले तक। मेरी बस जो चलेगी वो 9:30 चलेगी, बट रमन को जल्दी पहुंच गया 9 बजे के आसपास, तो मुझे जल्दी आना पड़ गया। मैं रमन के साथ जा रही हूँ। एक्चुअली मैं पहली बार ग्रुप ट्रिप का ब्लॉग बनाने वाली हूँ, तो दिस इज एक्चुअली फर्स्ट टाइम गोइंग टू बी ग्रुप ट्रिप। भाई तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया छोड़ने के लिए। ऑलरेडी 3 घंटे हो गए वेट करते हुए। 9:30 बजे बस का बोला था एंड बस अभी भी 12:20 पर आनी है, 12 बज रहे हैं। फाइनली बोर्डेड द बस, रिजर्विंग बस। एंड सो गाइस हमने फर्स्ट ब्रेक जो हमारा एक तरीके से हुआ है, क्योंकि जैसे कि बस चली थी 12 बजकर कुछ मिनटों पे, एंड नोट 12 बज के इतने सारे मिनट, 12 बज के 5 मिनट के आसपास। तो पहला ब्रेक हमारा हुआ है मन्नत के पास मिडवे पे। ये मेरा फेवरेट स्टॉपिंग पॉइंट है जब मैं अकेले भी होती हूँ। एंड दिस इज़ राइट 70 माइलस्टोन करके। सुबह के 8 बज रहे हैं और अभी हम शिमला पहुँच रहे हैं गाइस। एंड शिमला पहुँचते हुए अभी हम अब बस चेंज करेंगे अपनी। हम जिन बस को बाय बाय कर रहे हैं क्योंकि हम स्पिति जा रहे हैं शिमला से। एंड अभी हम शिमला के पार्किंग पॉइंट पर है। वाह, क्योंकि मैं सोई नहीं हूँ, शक्ल उतरी हुई है तो बोलने की हिम्मत भी नहीं बची। जैसे कि मेरा सामान बहुत हैवी था, रमन ने मुझे सामान के साथ हेल्प करा और हमने व्यू लिया शिमला की वादियों का कुछ देर के लिए। 30 to 45 मिनट्स लगे हमारी जो नेक्स्ट बस आनी थी, एक्चुअली मिनी बस आनी थी उसको आने में। टिल देन वी हैड दी फूड क्योंकि हमें बहुत भूख लगी थी। सुना है स्पीति में इतनी बर्फ़ है कि आपको मैं बर्फ़ में लॉक कर सकती हूँ, मतलब परमानेंटली। तो रमन की हाइट अगर किसी को नहीं पता तो 6 फीट। ठीक इंट्रोडक्शन राउंड है ना, जस्ट आफ्टर हैविंग अ ब्रेकफास्ट राइट। सो टिल देन यू मे एंजॉय द म्यूजिक राइट। अगर किसी की अगर कोई स्पेसिफिक डिमांड हो म्यूजिक की तो वो मतलब ऑब्जेक्ट कर सकता है, प्लीज हैप्पी टू ऑब्जेक्ट। सो वी स्टॉप फॉर द ब्रेकफास्ट। और ये है कॉफ़ी, ये है सिड्डू, ये रमन का बैग है, मेरा बैग हो गया है वॉशरूम। एंड स्टिल हमारा सफ़र बहुत बाकी है। मैं किस रेस्टोरेंट में रुकी हूँ दिखा। तो हम रुके थे शुभम रेस्टोरेंट एंड होमस्टे के साथ। हमारी गाड़ी वो खड़ी है। ऑल्दो इनका फूड अच्छा है बट इट्स लिटिल कॉस्टली। एग्जैक्टली। आई टोटली लव द होस्ट शेफ, मतलब पर्सनली ही वाज सो सुपर्ब। उसने हमें बोर नहीं होने दिया पूरी जगह पे। एंड स्टिल मतलब जब उसने स्टार्टअप करना था तो ही मेड अस इन अ सर्कल, ही मतलब आस्क्ड अस कि हम सर्कल में आ जाएं। एंड ही इंट्रोड्यूस ईच अदर। एंड उसने सबसे पहले स्टार्ट किया नेम एंड हॉबीज से। कोई भी अगर प्रॉब्लम, आई एम हियर फॉर योर असिस्टेंस राइट। एंड अगर कोई भी प्रॉब्लम बड़ी छोटी टुडे एज अ फैमिली, एज अ फ्रेंड, एज अ भाई, बड़ा भाई, छोटा भाई, ब्ला ब्ला ब्ला, एवरी रिलेशन। I don't like the fact कि everybody of us was from different state और हम लोगों ने मतलब एक अच्छा बॉन्ड स्टार्टअप किया जब हम शिमला से निकले, या फिर हम कहें हम शिमला में ही थे इस टाइम पर। Go with the flow and this trip is basically a part of that. मतलब मैंने सारी चीज़ें एकदम spontaneously decide की। अरे मतलब ऐसे verses में क्यों खड़े हो? पानी पड़ेगा। पेस्ट्री बनती है बिल्कुल। एड्रेस भोपाल है? नहीं नहीं, यहीं पे बनती है। बस का पहले ऐसा एक्सपीरियंस स्ट्रेंजर्स के साथ, माय गॉड क्या होगा पता नहीं, बट सफ़र बहुत खूबसूरत है। हम लोगों ने गाने एंजॉय करे, लोगों से कम बात करी क्योंकि फ़र्स्ट टाइम था, और पहली बार माफिया खेला। इफ़ यू डोंट नो माफिया तो यू शुड नो। बाकी मुझे कमेंट करके बताओ अगर माफिया के बारे में आप कुछ जानते हो। सो गाइस, वी जस्ट रीच अपनी डेस्टिनेशन। मैं डेस्टिनेशन का नाम नीचे मेंशन कर रही हूँ। रूम तो बहुत ही प्यारा है एंड अमन तो मेरे रूम में क्यों चले आते, मुझे ये समझ नहीं आता कभी। मैं देख रहा था कैसा बना हुआ है। हट जाओ तुम, बस मेरे पीछे पीछे घूमना बंद करो, घर वाले शक करेंगे हमारे। तो ये है वॉशरूम। यस, डोंट टेल मी गीजर नहीं लगा हुआ। भैया को बुलाओ, भैया एक्टर के शिकार। So that's the food for the dinner guys and it's 8:30 nearby और dinner ready है। और ये dinner around लगता है आधे घंटे से लेके 1 घंटे तक। So इसमें मेरे पास बहुत सारी choices हैं। बहुत भूख लगी है और हम बहुत exhausted भी हो चुके हैं। Well, thanks for watching and see you with the next vlog। और भूलना मत सब्सक्राइब करना चैनल को। बाय बाय।